सबसे पहले तो जी हम कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, रिंकल्स हो जाते हैं, रिंकल्स को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आप दोनों से सवाल होगा, तो आइए जरा देखते हैं, लगाइए जी पिक्चर्स लगाइए डॉक्टर साहब, कुछ पिक्चर्स लेके ओके ऑलराइट ओके। अब ये है क्या, ये मुझे खड़ा होना पड़ेगा दैट्स ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो सामने की लाइंस आ जाती हैं जिन्हें हम फोरहेड लाइंस कहते हैं, फ्राउन लाइंस भी होती हैं, क्रोस फीट भी होते हैं, टियर ट्रॉफ्स भी होते हैं, नेजोलेबल फोल्ड्स भी होते हैं जो ये वाले होते हैं, फिर इसके बाद मेंटल क्रीज भी होती है जो ये वाली होती है, नेक नेक लाइंस होती हैं, बनी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, माउथ फ्रॉन्स होते हैं, ब्रो ड्रॉप होता है ये वाला जो होता है, तो ये बताइए सारी चीज़ें जब चेहरे पर नमूदार होना शुरू हो जाती हैं तो क्या इसका कोई हल है? इसका हल बिल्कुल है। सबसे पहले तो उसकी प्रिवेंशन की जाए कि यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हम, ठीक है ठीक है। एंड मेजर थिंग जो मैं हर जगह बार बार बोलती हूँ, सनब्लॉक, प्लीज यूज सनब्लॉक, बिकॉज ये एक मेजर सन डैमेज का रीजन है जिससे हम एजिंग करते हैं। ओके, एंड द मोर यू यूज सनब्लॉक तो इन सारी कंडीशंस तक हम पहुँचेंगे नहीं, प्लस हम एंटी एजिंग चीज़ें जो है ना वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी हम अब बुढ़े जब होंगे तब स्टार्ट करेंगे, बट लाइक वी से एक्चुअली बड़ी सही बात है और ये एक मिसकंसेप्शन है कि यू नो वंस वी रीच 30s या लेट 30s या अब मैं 40 क्योंकि अब मैं यूज़ करूँ, सेम फॉर मेल एंड फीमेल्स, बट बाई द एज ऑफ 25 आफ्टर इट वी डू नॉट प्रोड्यूस कोलेजन, उसके बाद हमारी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं करती, दैट मींस यू स्टार्टेड एजिंग आफ्टर एज ऑफ 25 ओके, एंड यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग योर एंटी एजिंग प्रोडक्ट। तो डॉक्टर साहब अब तक 25 के कैसे लगते हैं? वो आई थिंक वो एक थिंग इन जीन, आई यूज सनब्लॉक, आई यूज सनब्लॉक रेगुलरली रिलीजियसली, इवन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मैं वजू के बाद सनब्लॉक लगा देता हूं, तो सनब्लॉक इज एसेंशियल, नेवर लीव होम विदाउट इट, नेवर लीव होम विदाउट इट। ये अमेरिकन एक्सप्रेस का एक जमाने में, अमेरिकन एक्सप्रेस का एक जमाने में जब पहला अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड बना ना मेरा, तो उसमें नेवर लीव होम विदाउट इट, बाद में पता चला कि यू शुड एक्चुअली लीव अमेरिकन एक्सप्रेस एट होम, डोंट एवर टेक दिस विद यू। True. So, अब तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है फॉर फीमेल्स, वी हैव टिंटेड सनब्लॉक्स जिसमें मेकअप का भी टच आ जाता है, यू कैन अप्लाई इट और आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर मेल जो बड़ा कहते हैं कि जी ग्रीसी हो जाता है एंड दे फील नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो स्प्रेज आ गए, जस्ट अप्लाई स्प्रेज आफ्टर एवरी 2 hours, तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं। यानी आप मेरी कंपनी, हमारी कंपनी का ले सकते हैं आप, उसमें भी कुछ भी नहीं, जो इन्हीं की कंपनी है। Sunblock should be like starting of the day. It's very important. And I will just show you this ke face ke liye hum kya chahte hain. We want the face to be fresh. So for that we have to have lots of vegetables and fruits. And of course apply the proper sunblock, face wash or soap. Of course acne clear is very important. You should use the right treatment. Clarity ke liye of course suitable sunblock. And what is a sunblock? Ye aapki skin pe ek layer la deta hai, जो कि आपकी स्किन को यूवी रेस से बचाता है। आई विल नॉट से कम्प्लीटली ब्लॉक करता है, बट येस इट हेल्प्स यू। एंड ऑफ कोर्स ई से एवर यंग, इसका नाम मल्टी विटामिन, विटामिन सी। अच्छा, फॉलिक एसिड, इवनिंग प्रिमरोज, दीज आर टू सप्लीमेंट्स विच आई थिंक एवरी वन शुड टेक इन द मॉर्निंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फॉलिक एसिड से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ने से ये होता है आपके फेस पे जो एक डलनेस आती है, झाइयां हो जाती है। एक और मशवरा भी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो बिजली का बिल उठा के देख लें, फौरन बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ेगा, यूं शूट होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उससे, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, अंदर के सेल्स में जंग होना शुरू हो जाती है। सो और एक और बात कहता हूँ, आपको सनब्लॉक घर बैठे भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसके लिए बड़ा इजी, RAYZ। आर से आप रोज वाटर लीजिए एक चम्मच, ए से आप एलोवेरा जेल लीजिए एक चम्मच, वाई से योगर्ट, एंड देन जिंक ऑक्साइड विच इज अवेलेबल एट एनी पंसारी स्टोर। दिस एक्चुअली सनब्लॉक उनके लिए जो हम तक रीच नहीं कर सकते और मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय सनब्लॉक, बिकॉज सनब्लॉक्स आर एक्सपेंसिव, बट ये आप घर बैठे भी बना सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो रोज वाटर आपने लिया? जी, आर से मैंने रोज वाटर लिया, ए से एलोवेरा जेल, वाई से योगर्ट, ये सब एक एक चम्मच, और जिंक ऑक्साइड जो आपको किसी भी डिस्पेंसिंग स्टोर से मिल जाएगा 1 teaspoon। अच्छा, इसका तरीका ये कि पहले आप पैच टेस्टिंग जरूर कर लें, गर्दन के पास लगा लें, बिकॉज एनीथिंग यू अप्लाई ऑन द फेस शुड बी टेस्टेड फर्स्ट। इट कुड बी, डॉक्टर साहब नोज़ कि एलोवेरा जेल तक हमारे फेस पे रिएक्ट कर सकता है, एंड देन यू कैन अप्लाई। लोग एलर्जिक होते हैं सनब्लॉक से, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं लगा दूं, टेस्टिंग आपने अपने पे करनी है, किसी और को ले जाके मत लगा दीजिएगा, बहुत ऑड लगेगा ना, जाके टेस्ट
जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स बताए दे क्वाइट सेफ, क्योंकि कुछ सनब्लॉक्स इस तरह के होते हैं जो रैशेस कर देते हैं या एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, बट दिस इज वेरी सेफ बिकॉज़ जिंक ऑक्साइड इज अ वेरी सेफ इंग्रेडिएंट, सो व्हिच इज गुड. बट व्हाट्स अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सनब्लॉक लगाने से बहुत वाइट वाइट लुक आता है, दे फील अ लिटिल कि वो बहुत ज्यादा लग रहा होता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप सनब्लॉक लगा के यू कैन स्प्लैश सम वाटर ऑन योर फेस. तो अच्छा, हम बड़े जबरदस्त लोग हैं. क्लास 9th में 10th में मैंने ये सबक पढ़ा था, इंसान किसी मौलाना आजाद की तहरीर थी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. वेरी ट्रू. जिनकी स्किन लाइट है वो डार्क होना चाहते हैं, जिनकी डार्क है वो लाइट करना चाहते हैं, जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है. जस्ट बी कंफर्टेबल विद हु यू आर. That's all. Allah ने आपको बहुत हसीन बनाया. बालों में भी बड़ा मसला होता है. अक्सर लोगों के स्ट्रेट खूबसूरत हेयर होते हैं, they want them to be wavy और curly. जो curly बाल वाले हैं वो स्ट्रेट करना चाह रहे हैं. जो अल्लाह ने आपको हेयर दिया है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड नेवर चेंज द आउटलुक, बिकॉज आपके हेयर का टेक्स्चर खराब हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कह रही थी आप. मैं हमने इसकी प्रिवेंशन बताई है ट्रीटमेंट की तरफ, एंड वी आर कमिंग फॉर एजिंग, सो लेजर ट्रीटमेंट्स अब बहुत आ गए. नहीं डॉक्टर साहब, मॉइस्चराइजर कितना पार्ट प्ले करता है एज डिलेइंग में? देखिए मॉइस्चराइजर, इफ़ यू डू नॉट अप्लाई मॉइस्चराइजर टू योर स्किन, वो रिंकली स्किन हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस. ड्राइनेस की वजह से जो है ना वो रिंकल होता है. तो इफ़ यू मॉइस्चराइज, वो ड्राइनेस प्रिवेंट होगी, विच विल प्रिवेंट फ्रॉम रिंकलिंग. सो मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और मॉइस्चराइजर किस एज से इस्तेमाल करना चाहिए? आई थिंक बचपन से ही करें. बचपन से ही करें. ओके ओके. सो बचपन से मॉइस्चराइजर करें. और लाइक वी वर मेंशनिंग फॉर एजिंग, अब बोटॉक्स फिलर्स आई डोंट, हालांकि आई डू देम बट आई डोंट प्रमोट देम, क्योंकि इट्स आई थिंक एक दफ़ा वंस यू गेट इनटू इट देयर इज नो गोइंग बैक. आप यू कीप ऑन डूइंग देम अगेन एंड अगेन. बट लेज़र इज़ एन ऑप्शन. अगर आप लेज़र रीसर्फेसिंग लेज़र करते रहें तो आपकी एजिंग प्रिवेंट होती है. प्लस अगर फिर बहुत ज़्यादा लाइंस हो गई हैं तो फिर बोटॉक्स एंड देन हाइड्राफेशियल. हाइड्राफेशियल भी आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट. इट इज़ फॉर हाइड्रेटिंग द स्किन. वो स्किन को हाइड्रेट रखता है, लेकिन आई डोंट थिंक उससे लाइंस जा सकती हैं. अच्छा एक और मैं आपको हैक बता रहा हूँ. 4-5 घंटे के लिए आपकी लाइंस गायब हो जाएंगी. 4-5 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए बोल रहा हूँ. ये लाइफ का हैक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ. अंडे की सफेदी लें, उसको फेंट लें. सफेदी, योक नहीं लेना, अंडे की सफेदी, उसको अप्लाई कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक. 5 घंटे के लिए आप 10 साल पीछे चले जाएंगे, 5 घंटे के लिए. और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें, दैट्स इट. 10 मिनट के लिए आपको लगाना है. जब वो जैसे ही ड्राई होता है आप स्प्लैश करें ठंडे पानी का और उसको बिल्कुल साफ कर लें. आपकी जो स्किन है वो पूरे तौर पर ऐसे खिंच जाएगी, पीछे की जानिब चली जाएगी. True. अगर आपने उसको अपवर्ड अप्लाई किया, ये लाइफ का हैक है जो आप इस्तेमाल कीजिए. ये मुझे अच्छा. और अगर नीचे की जानब लगाएंगे तो स्किन ढलक भी जा सकती है. जब हम, मैंने एक 70 ओल्ड उसका एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, तो उसके अंदर हमने अंडे की सफेदी की मदद से मुझे झुर्रियाँ वगैरह डाली थी. तो दोनों तरह के आपने जब भी अप्लाई करना है तो उसको अपवर्ड अप्लाई करना है. अपवर्ड अप्लाई करने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए. जब वो ड्राई हो जाए उसको स्प्लैश करके आप बिल्कुल साफ कर लीजिए. अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, यू कैन गो अबाउट योर डे. वही मैं कहने वाली थी, आपकी स्किन खराब है, आज मुझे पता चला. अच्छा मैं करता हूँ, इट्स अ नेचुरल बोटॉक्स, उसको बोलते हैं नेचुरल बोटॉक्स. अच्छा ये तो खैर मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ. एक मास्क मैं बनाता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता, मैं खुद बनाता हूँ. एंड देट इज, मैं राइस को ग्राइंड करके, राइस को गल्प करके, गल्पी राइस, आधा चम्मच शहद का और आधा चम्मच दूध का, वो आप लगा लें. हफ्ते में 2 बार मैं ये इस्तेमाल करता हूँ. राजा मुझे बना के देते हैं सुबह ही सुबह. और मेरी इन चीज़ों में बहुत बिलीव है. मुझे लगता है कि ये इवन दो शाइस्ता जो है, मैं एक सिलसिले से गुजरा था नवंबर के अंदर, तो उसके बाद आगे चल के मेरी सर्जरी होनी है. तो मेरा यह अंदर पूरा ये सब सिला हुआ है नाक के अंदर ना, तो शाइस्ता ने फिर इसे फिक्स किया है बिकॉज दिस बिकेम दिस बिग. वो डिफॉर्मिटी हो गई थी बहुत शदीद और फिर उसको फिक्स किया गया है. तो अब जाहिर है आगे चल के वो भी होना है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि डॉक्टर्स का होना बाय से रहमत है, लेकिन जो डॉक्टर्स बताते हैं उनका सुनना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सनब्लॉक लगाएं, मॉइस्चराइज करें, ये आप कर सकते हैं. डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जी आप 2 किस्म की चीज़ें बना सकते हैं. इवनिंग प्रिमरोज खा लें और फॉलिक एसिड खा लें, उससे भी आपकी स्किन बेहतर होगी. बेसिक चीज़ है और बहुत बेसिक. और आपने वो भी बताया कि किस तरह से सनब्लॉक घर पे बैठे बना सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या बाहर का आपको पसंद नहीं आता या एलर्जीज हो रही हैं आपको. और एक और चीज़ होती है साहब, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए. ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है. फेस फ्लॉलेस का ब्लड टेस्ट मैं आपको बता दूँ, एक IgE ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपकी सेंसिटिविटी बताता है. हमारे एक दोस्त उनका ब्लड टेस्ट करवाया था जी, रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था बदल गया.